हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है हापा बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है हापा गुजरात से बिलासपुर तक चलने वाली हापा बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बिलासपुर जो है छत्तीसगढ़ का एक स्टेशन है। इस ट्रेन का नंबर है 22939। ये जो ट्रेन है 30 घंटे 15 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 23 स्टेशन हैं। 1693 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। इसके एवरेज स्पीड जो है वो है 56 किलोमीटर पर आवर। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। हापा से ये हर मंगलवार को बिलासपुर जंक्शन छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होती है। ये सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। वेस्टर्न रेलवे जोन जो है इसे ऑपरेट करता है। 30 घंटे 15 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 23 स्टेशन हैं और 1693 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। अगर इसके टिकट किराए के बारे में बात की जाए तो मैं जो अभी आपको हापा बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का टिकट किराया बताऊंगा वो हापा से बिलासपुर तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट पर जाकर जरूर चेक कर लें। हापा बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सेकेंड एसी का जो किराया वो है 2575 रुपये, जिसमें रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज, GST चार्ज और सुपरफास्ट चार्ज शामिल होते हैं। थर्ड एसी का जो किराया वो है 1775 रुपये, इसमें रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज, GST चार्ज और सुपरफास्ट चार्ज शामिल है। स्लीपर क्लास का जो किराया वो है 670 रुपये, इसमें सिर्फ रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज और सुपरफास्ट चार्ज शामिल होता है। इसमें कोई GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल अनरिजर्व डिब्बे भी हैं, जिसका किराया जो है लगभग 380 रुपये के करीब है। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर भी कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हापा बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में बात कर लेते हैं और जान लेते हैं हापा से बिलासपुर तक इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। हापा बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है हापा गुजरात से हर मंगलवार को रात के 10:25 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और इसके तकरीबन 23 स्टेशन हैं। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने दूसरे स्टेशन राजकोट जंक्शन गुजरात में रात के 11:50 पर पहुंचती है और 11:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है और एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ये ट्रेन जो है रुकती है। वनखानेर जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 12:42 पर पहुंचती है और 12:44 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सुरेंद्र नगर जंक्शन में पहुँचती है रात के 2:12 पर और 2:14 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है और 192 किलोमीटर की जर्नी जो है कवर कर चुकी होती है। विरंगम जंक्शन में ट्रेन जो है 3:22 पर पहुँचती है। सुबह 3:24 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। अहमदाबाद जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 4:35 पर पहुँचती है और 4:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 20 मिनट का स्टॉप है और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है और 323 किलोमीटर की जो दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद नादिया जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 5:54 पे पहुंचती है और 5:56 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। आनंद जंक्शन गुजरात में ये सुबह 6:14 पे पहुंचती है और 6:16 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है वडोदरा जंक्शन में पहुंचती है सुबह 6:57 पे और 7:02 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। भारूच जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 7:50 पे पहुँचती है और 7:52 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है गुजरात के आखिरी स्टेशन सूरत स्टेशन में सुबह 8:50 पे पहुँचती है और 8:55 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है। नंदूरबार में ये ट्रेन जो है सुबह 11:25 पे पहुंचती है और 11:30 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है और 714 किलोमीटर की दूरी जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अमलनेर में पहुँचती है दोपहर के 1:38 पर और 1:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर रुकती है और 810 किलोमीटर की यात्रा जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है जलगांव जंक्शन में दोपहर के 2:50 पर पहुंचती है और 2:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ये ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद हापा बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है भूसावल जंक्शन महाराष्ट्र में दोपहर के 3:20 पर पहुँचती है और 3:25 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है और 890 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अकोला
जंक्शन महाराष्ट्र में पहुंचती है शाम के 5:15 पे और 5:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है भंडेरा जंक्शन में पहुंचती है। भंडेरा जंक्शन में ट्रेन जो है शाम के 7:07 पे पहुंचती है और 7:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ये ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है वर्धा जंक्शन में पहुंचती है। वर्धा जंक्शन में ये रात के 8:28 पे पहुंचती है और 8:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 1201 किलोमीटर की यात्रा जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये नागपुर जंक्शन में पहुंचती है रात के 9:40 पे और 9:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। महाराष्ट्र के आखिरी स्टेशन गोंदिया जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 11:38 पे पहुंचती है और 11:43 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ये ट्रेन जो है रुकती है और 1410 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है दुर्ग जंक्शन में 1:40 पे पहुंचती है और 1:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ये ट्रेन जो है रुकती है और 1545 किलोमीटर की जर्नी जो है कवर कर चुकी होती है। रायपुर जंक्शन छत्तीसगढ़ में ये रात के 2:25 पे पहुंचती है और 2:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है और 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद हापा बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो बिलासपुर जंक्शन छत्तीसगढ़ में 4:40 पे पहुंचती है और 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल जर्नी है 1694 किलोमीटर की कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट ट्रेन पे मैं वीडियो बनाऊं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।